हमारे देश में धार्मिक स्थानों का भ्रमण सदा से ही मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। आध्यात्मिक तथा तीर्थ स्थानों पर अपने माता पिता को लेकर जाना भी भारतीय संस्कृति की एक पवित्र परंपरा है। जब हम देश के ऐसे आध्यात्मिक स्थानों की चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि आज श्री सत्य साईं बाबा की नगरी पुट्टपर्ती ने केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के नक्शे पर विश्व के सर्वाधिक देशों का ध्यान आकर्षित किया है और पुट्टपर्ती एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक स्थान बन गया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष दुनिया के कोनों कोनों से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और बाबा की महासमाधि पर माथा टेक कर उनके कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। पुट्टपर्ती भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। साईं बाबा ने संपूर्ण मानवता को दुख और कठिनाइयों से भरी जिंदगी से उबार कर प्रत्येक मानव के जीवन को खुशियों से भरकर उन्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जाने के लिए अवतार लिया है। बाबा ने कहा है कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। बाबा ने यह भी कहा है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, परंतु मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं और तुम्हारे जीवन के संघर्षों को समाप्त कर तुम्हें आनंद और प्रसन्नता के एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए आया हूं। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु ने यह पाया है कि पुट्टपर्ती आने के बाद न केवल उनके सांसारिक जीवन की कठिनाइयों को बाबा ने बड़ी सरलता से दूर किया है बल्कि बाबा ने उनकी जिंदगी को बदला है और बाबा ने उनके व्यवहार और जीवन में बड़े आनंददायक परिवर्तन लाए हैं। पुट्टपर्ती का पवित्र वातावरण यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन को शांति से भर देता है और साथ ही यहां आते ही वे अपनी आध्यात्मिक प्रगति की एक और नई ऊंची उड़ान भी शुरू कर देते हैं। पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध नगर है। रेल मार्ग से पहुंचने के लिए पुट्टपर्ती में ही रेलवे स्टेशन है जिसे श्री सत्य साई प्रशांति निलियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा निकट ही लगभग 40 किलोमीटर दूर धर्मावरम स्टेशन से पुट्टपर्ती पहुंचा जा सकता है जहां से लगातार बस व अन्य साधन यहां तक पहुंचने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यदि हवाई जहाज से आना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डा बेंगलुरु है जहां से लगभग 2 घंटे में टैक्सी या बस से पुट्टपर्ती पहुंचा जा सकता है। हैदराबाद और बेंगलुरु से नियमित बस सेवाएं भी सीधी पुट्टपर्ती तक उपलब्ध हैं। आज देश के हर कोने से रेल, बस या हवाई जहाज से पुट्टपर्ती पहुंचने के अनगिनत साधन उपलब्ध हैं। लेकिन एक बात और, जब मन में जाने की सच्ची चाहत हो तो बाबा स्वयं ही सारे रास्ते बना देते हैं। पुट्टपर्ती में ठहरने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। आश्रम के बाहर हर किस्म के सैकड़ों होटल हैं जहां सुविधा और क्षमता के अनुसार आसानी से कमरे प्राप्त हो जाते हैं। पुट्टपर्ती का मुख्य केंद्र प्रशांति निलियम आश्रम है। प्रशांति निलियम के भीतर अत्यंत अल्प राशि में रुकने की सुविधा उपलब्ध है। कई बड़े हॉल हैं। इसके अलावा
एक अन्य भवन भक्त निवास में पलंग के साथ रुकने की सेवा भी उपलब्ध है। यदि व्यक्तिगत कमरे चाहें तो आवास कार्यालय से कमरा प्राप्त होता है। यदि वातानुकूलित कक्ष चाहें तो वातानुकूलित कक्ष की भी सुविधा उपलब्ध है। रुकने की ये समस्त व्यवस्थाएं आश्रम की ओर से बहुत ही कम राशि में उपलब्ध कराई जाती हैं। कमरों के आरक्षण के लिए ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। अति विशिष्ट अतिथियों के लिए शांति भवन नामक आश्रम का स्वयं का एक अतिथि गृह भी है। प्रति यात्रा में एक साथ एक दल में जाने वाले यात्रियों के लिए श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा रुकने की व्यवस्था स्वयं की जाती है, ताकि दल में एक साथ आने वाले व्यक्तियों को ठहरने की परेशानी न हो। इसके अलावा अनेक देशों से आने वाले विभिन्न दलों के भक्तों को भी एक साथ समूह में ठहरने व भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। आश्रम के भीतर 3 कैंटीन संचालित हैं, जिनमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय व विदेशी शैली का शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध रहता है। यहाँ प्रातः नाश्ते से लेकर दोपहर तथा रात्रि तक का भरपेट भोजन लगभग 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक में उपलब्ध रहता है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा प्रातः मंदिर में दर्शन करने वालों को नित्य नारायण सेवा के कूपन भी वितरित किए जाते हैं, जिसमें निःशुल्क दोपहर का भोजन आश्रम की ओर से दिया जाता है।